हम जिन चीजों को देखेंगे वो हमारे पास है प्री प्रोसेसर और फ्रंट एंड। ये दो चीजें जो है आज के इस लेक्चर में हमारे सामने। स्टूडेंट्स, अगर हम लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा देखें तो उसमें हमने देखा था सिमेंटिक एनालिसिस पे बात कर रहे थे और कोड ऑप्टिमाइजेशन। ये कोड ऑप्टिमाइजेशन को हम सही तरीके से डिस्कस नहीं कर सके थे। सिमेंटिक एनालाइजर पे हमने बात की थी, तो आपने देखा था कि जब आपके टोकन जनरेट होते हैं, लेक्सिकल एनालाइजर टोकन्स को जनरेट करता है, तो फिर दैन सिमेंटिक एनालाइजर का काम आता है और उसने सिमेंटिक ट्री को जनरेट करना है। इसमें हमने देखा था कि किस तरीके से वो सिमेंटिक डेफिनेशंस को चेक करता है, खासकर जैसे हमने टाइप कन्वर्जन को देखा, डेफिनेशंस को देखा, तो किस तरीके से ये काम होता है, इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया। आज स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपाइलर ऑर्गेनाइजेशन। और इस कंपाइलर ऑर्गेनाइजेशन में आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक डायग्राम मैंने रखा है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास फ्रंट एंड है, उसके बाद मिडल एंड है, और फिर देन बैक एंड। स्टूडेंट्स, बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमने इसको इसलिए यहाँ पे इसको अगेन डिस्कशन में लेते हैं कि हम इसको ज़रा थोड़ा सा फॉरवर्ड लेवल, अगले लेवल पे, या थोड़ा सा हम इसको ब्रीफली इन पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, और इनके साथ जो चीज़ें दूसरी मलिका है हम इनको देखते रहेंगे। या स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि आपके पास फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड में हमारे पास सोर्स कोड आता है और ये फ्रंट एंड देन उसकी IR इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन जनरेट करके देन अगर मिडल एंड को देखा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रंट एंड पर। फ्रंट एंड में आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स हमारे पास प्री प्रोसेसर भी है। प्री प्रोसेसर हम इस पर ऑलरेडी भी डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन यहाँ हम थोड़ी सी डिटेल के साथ इसको बात करेंगे। स्टूडेंट्स, प्री प्रोसेसर को अगर हम देखते हैं तो ये इनपुट प्रोड्यूस करता है कंपाइलर के लिए और ये मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर इसकी डेफिनेशन को भी देखें तो ये बाज़ दफ़ा ये भी आता है कि ये कंपाइलर का हिस्सा होता है जो स्पेशली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के लिए काम करता है। अच्छा, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को अगर हम देखें तो ये बेसिकली ये कुछ इंस्ट्रक्शन होती हैं जो आपकी जो हेडर फाइल्स हैं स्पेशली उनकी उनको रीड आउट करने के लिए या उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ये आपकी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होती है। यहाँ पे हम इसकी जस्ट फंक्शनैलिटीज को देखेंगे और उन फंक्शनैलिटीज को ज्यादातर हम देखेंगे जिनका तल्लक हमारे कंपाइलर के साथ। स्टूडेंट्स, यहाँ सबसे पहले हमारे पास माइक्रो प्रोसेसिंग। माइक्रो प्रोसेसिंग को देखें तो अगर इसके नाम को देखें स्टूडेंट्स तो स्पेशली ये हमारे जो माइक्रो प्रोसेसर हैं ये उसका उसके साथ तल्लक है। जैसे कि आपके पास प्रोसेसर की चिप आती है, ये आप लोग जानते होंगे माइक्रो प्रोसेसर, ये आपके चिप की शक्ल में जो आपके ये एडवांस जो मॉडर्न प्रोसेसर है ये आपके सामने, तो इनके लिए जो इनके लिए जो प्रोसेसिंग ये जो प्रोसेसिंग करते हैं इसके लिए कुछ प्री प्रोसेसर की भी जरूरत होती है। लेकिन ये यहाँ पे हम इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे कंपाइलर ऑर्गेनाइजेशन में तो यहाँ पे जो माइक्रो प्रोसेसिंग है वो क्या चीज है, यहाँ पे वो कहता है कि आप प्री प्रोसेसर मे अलाउ टू यूजर टू डिफाइन मैक्रोज दैट आर शॉर्टेंड फॉर लॉन्गर कंस्ट्रक्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट की अगर बात करते हैं, ये कंस्ट्रक्ट आप देख रहे होंगे, ये कंस्ट्रक्ट जो है वो स्पेशली हमारे पास इनको अगर हम देखें तो ये कंस्ट्रक्ट जो है ये हमारे वो स्ट्रक्चर्स हैं, वो कंस्ट्रक्टर वो स्ट्रक्चर हैं जिनको हम यूज करते हैं अपने प्रोग्रामिंग के अंदर। लाइक जैसे हम देखते हैं ये आपके इफ स्टेटमेंट है, लूपिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये हमारे कंस्ट्रक्ट। अब मैक्रो जो है ये एक ऐसा तरीका कार होता है जिसके साथ आप ये जो बड़े कंस्ट्रक्ट होते हैं, ये बड़े स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम स्ट्रक्चर्स का नाम दें, स्पेशली जो लॉन्गर स्ट्रक्चर जैसे हमारे पास फंक्शन हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग है, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े कंस्ट्रक्ट हमारे सामने आते हैं, तो उनको शॉर्ट में मैंशन करने के लिए हमारे मैक्रोज को डिफाइन किया जाता है और ये यूजर जो प्रोग्रामर होता है ये इन मैक्रोज को यूज करता है और इस इन मैक्रोज को डिफाइन करने के लिए ये प्री प्रोसेसर्स को यूज किया जाता है। एक तो इस मकसद के लिए ये प्री प्रोसेसर इस्तेमाल होते हैं, दूसरा फाइल इंक्लूजन है, इंक्लूड से निकला ये लफ्ज शामिल करना। जैसे आपने अगर C++ में कोडिंग की है तो आपने उसमें देखा होगा कि आप हेडर फाइल्स को शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम अपने सोर्स कोड में, आप हेडर फाइल्स को शामिल करते हैं जैसे IRStream.h है, आप Corneo.h है,
और भी बहुत सारी हेडर फाइल्स हैं जिनको आप अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं, तो ये शामिल करना भी जो है वो इन प्री प्रोसेसर की जिम्मेदारी है। आप जब iostream.h के इस हेडर फाइल को मेंशन करना इंक्लूड करना चाहते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, सॉरी प्रोग्राम में हेडर सोर्स कोड में शामिल करना चाहते हैं, तो फिर देन आप हैश इंक्लूड को मेंशन करें। इसका मतलब ये होता है कि आप इस हेडर फाइल को यहाँ अपने प्रोग्राम में शामिल करें, तो इस मकसद के लिए भी ये आपके प्री प्रोसेसर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये इनका तल्लक भी इस तरीके से आपके कंपाइलर के साथ हो जाता है। इस तरह रेशनल प्री प्रोसेसर हैं। दिस प्रोसेसर ऑगमेंट ओल्डर लैंग्वेज विद मोर मॉडर्न फ्लो ऑफ कंट्रोल्स एंड डेटा स्ट्रक्चरिंग फैसिलिटीज। स्टूडेंट्स, अगर हम और लैंग्वेज में देखें, जैसे हमारे पास अडा एक लैंग्वेज है, इस तरह ओल्ड जितनी हमारे भी फोरट्रांस हैं, बेसिक्स हैं, तो बहुत सारी बेसिक लैंग्वेज है जो पुरानी लैंग्वेज है जो इस्तेमाल की जाती रही है। अभी कुछ लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही हैं, तो ऐसी लैंग्वेजेस को आप मॉडर्न जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है या आपकी जो डाटा स्ट्रक्चर है उसके साथ मिलाया जाता है। अच्छा, यहाँ हम बात करें फ्लो ऑफ कंट्रोल की, तो ये फ्लो ऑफ कंट्रोल जो है ये हमारे पास हमारा जो एक कंट्रोल चलता है। अच्छा, कंट्रोल क्या चीज़ है स्टूडेंट्स, ये भी समझने वाली बात है। कंट्रोल एक्चुअली जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं और उन प्रोग्राम के अंदर जो स्टेटमेंट होती है, वो स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट जिस तरतीब से जिस सीक्वेंस से वो आपकी एग्जीक्यूट हो रही है, तो हम कहते हैं कि ये हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल है। हम बात कर रहे हैं कंट्रोल की, तो कंट्रोल एक्चुअली जब प्रोसेसर किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए उस स्टेटमेंट की तरफ आता है, तो दिस इज कॉल्ड, हम कहते हैं कि इस वक्त हमारा कंट्रोल यहाँ पे इस स्टेटमेंट पे, हमारा कंट्रोल इस स्टेटमेंट। फिर एक स्टेटमेंट को चलाने के बाद देन कंट्रोल आगे फर्दर दूसरी स्टेटमेंट पे जाता है, फिर तीसरी स्टेटमेंट पे जाता है, फिर चौथी स्टेटमेंट। तो ये जो एक से दूसरी तीसरी चौथी स्टेटमेंट की तरफ वो मूव कर रहा है, दिस इज कॉल्ड फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो हम बेसिक जो लैंग्वेज हैं उनके अंदर ये ऐसी फैसिलिटीज बहुत कम थी, तो उन उनको साथ इनको मैच करने के लिए ये आपका प्री प्रोसेसर इस्तेमाल किया। उसके अलावा स्टूडेंट्स, डेटा स्ट्रक्चरिंग फैसिलिटीज, डेटा स्ट्रक्चर आप शायद पढ़ चुके और डेफिनेटली आप पढ़ चुके होंगे, ये आपका बकायदा एक सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें आप डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। और डेटा स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, तो ये बेसिकली हम जो मेमोरी के अंदर अपना डेटा स्टोर करते हैं उसका एक लेआउट होता है, उसका एक ढांचा आप बना लेते हैं जिसके अंदर आप अपने डेटा को स्टोर करके रखते हैं। तो ये चूंकि जो पिछली लैंग्वेज हैं, बेसिक जो लैंग्वेज हैं, उनके अंदर ये चीज़ें नहीं थी, तो उनके साथ इसको मैच करने के लिए ये फैसिलिटीज उनमें लाने के लिए भी इस प्री प्रोसेसर को इस्तेमाल किया जाए। दूसरा लैंग्वेज एक्सटेंशन है। स्टूडेंट्स, एक्सटेंशन से आप जानते हैं कि आप बहुत सारे मैक्रोस, बिल्ट इन मैक्रोस आप किसी लैंग्वेज के अंदर ऐड करना चाहें तो आप उनको यूज कर सकते हैं। मैक्रोस जो है वो डेफिनेटली एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है जो यूजर अडॉप्ट करता है अपने काम को करने के, तो आप लैंग्वेज में ऐसे मैक्रोस को डाल सकते हैं ताकि उसकी कैपेबिलिटीज जो है वो बेहतर हो सके। तो ये सारे काम करने के लिए इस प्री प्रोसेसर को इस्तेमाल किया जाए। स्टूडेंट्स, ये जी सही है जो आपने यहाँ पे मैक्रोस की बात की है कि हम उसको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन जो कुछ होते हैं प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में, ये वो वाली चीज है। हाँ नहीं, देखें आपकी दो चीजें हैं, जैसे आप देखते हैं कि आपके कुछ बिल्ट इन फंक्शन हैं, डेफिनेटली आपके पास जैसे सी आउट है, सी एन है, ये ऐसे फंक्शन हैं। इस तरह मैक्रोज भी बनाए जाते हैं, ये यूजर भी डिफाइन करता है ऑलरेडी, जैसे यहाँ पे भी मेंशन है कि बिल्ट इन मैक्रोज हैं आपके पास ऑलरेडी भी होते हैं, ऐसे ये सारी चीजें यहाँ पे लैंग्वेजेस के अंदर है। लेकिन यहाँ पर एक्सटेंशन की बात करें तो आप कुछ मैक्रो जो बने बनाए हैं आप उनको किसी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं, ये लैंग्वेज एक्सटेंशन। जी सर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से देखिएगा कि इस तरीके से बंद हो गया। फ्रंट एंड हमारे पास है, और फ्रंट एंड को अगर हम देखें तो हमारे पास सोर्स कोड है, सोर्स कोड स्कैनर के पास जा रहा है, स्कैनर देन टोकन जनरेट कर रहा है, पार्सर के पास जा रहा है, पार्सर देन इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन को जनरेट कर रहा है। ये स्टूडेंट्स वही चीजें जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं।
यहाँ पे इसको मेंशन करने का मकसद क्या है कि हम इनको जरा डिटेल से, थोड़ी सी डिटेल के साथ, पूरी डिटेल तो हम आने वाले लेक्चर्स में बताएंगे, जब इनको डिवेल्प करेंगे, इनको बनाएंगे, तो हमारे सामने उसकी बात आएगी, थोड़ा सा इसको आगे लेकर चलते हैं, इसलिए कि आप आहिस्ता आहिस्ता इनके साथ फैमिलियर होते जाएं, आपको अंदाजा हो जाए कि हम किस तरफ जा रहे हैं और हमने जो आगे फर्दर जाके काम करना है उसमें हमने क्या काम। तो स्टूडेंट्स, अगर हम कंपाइलर को देखें, उसके ऑर्गेनाइजेशन को देखें, तो हमारे सामने तीन चीजें आती हैं वैसे बेसिकली, फ्रंट एंड है, मिडल एंड है और बैक एंड। जैसे हमने लास्ट स्लाइड में भी इसको देखा, तो ये तीन उसके पार्ट्स हैं। इसमें आज अब हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारे सामने फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में हमारे पास दो पार्ट्स हैं, स्कैनर है और पार्सल। स्टूडेंट सबसे पहले अच्छा यहाँ पे एक चीज देखते चलें कि ये चीज पहले हमारे सामने हमारे डिस्कशन में नहीं आई कि यहाँ पे स्कैनर जो है ये भी एरर को फाइंड करेगा, जहां पे एरर्स होंगे उनको फाइंड आउट करेगा और इंडिकेट करेगा, और पार्सर जो है ये भी एरर्स को इंडिकेट करेगा, जहां कहीं आपके सोर्स कोड में एरर्स आएंगे उनको ये फाइंड आउट करेगा और यूजर को बताएगा कि यहाँ पे आपके ये एरर्स हैं। ये दोनों जो पार्ट हैं इस फ्रंट एंड पे, ये दोनों एरर्स को फाइंड करते जाएंगे। बहरहाल सोर्स कोड को टोकन में कन्वर्ट करेगा स्कैनर, और आगे जो पार्सर है वो इसको IR में कन्वर्ट करेगा। थोड़ा सा देखते हैं कि ये काम कैसे हो रहा है। स्कैनर, स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेंटेंस है। सबसे पहले मैप कैरेक्टर स्ट्रीम इनटू वर्ड्स बेसिक यूनिट ऑफ सेंटेक्स। स्टूडेंट्स सेंटेक्स आप जानते हैं, अगर हम सेंटेक्स की बात करें तो दीज आर द रूल्स इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट आर यूज्ड टू राइट अ प्रोग्राम। हम कोई प्रोग्राम लिखने के लिए जो रूल्स इस्तेमाल करते हैं, दीज आर कॉल्ड सेंटेक्स। अब यहां पे उसने बात की है कि मैप कैरेक्टर स्ट्रीम इनटू वर्ड्स, के आपके जो कैरेक्टर्स हैं उनको वर्ड्स की शक्ल में चेंज कर देता है, और ये जो वर्ड्स हैं ये बेसिकली हमारे क्या है, सेंटेक्स के यूनिट है। किसी भी सेंटेक्स का कोई हिस्सा है, ये मैं भी आपको दिखाता हूँ ये कैसे हिस्सा है। बहरहाल आप अच्छा कैरेक्टर स्ट्रीम, आप हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं कि आपका जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉरी जो सोर्स प्रोग्राम है, ये आपका कैरेक्टर स्ट्रीम की शक्ल में कंपाइलर के पास आता है, देन आगे वो वर्ड्स में चेंज होता है और बेसिक जो यूनिट्स बनते हैं उसके वो सेंटेक्स। प्रोड्यूस पेयर ऑफ वर्ड्स, अब यहाँ पेयर ऑफ वर्ड्स की बात हम करें तो ये टोकन है, जैसे हमने देखा था उसमें ID भी होता है और एक नंबर भी होता है। तो ये कैसे है, एक वर्ड है या उसका पार्ट ऑफ स्पीच। स्टूडेंट्स पार्ट ऑफ स्पीच की बात करते हैं, यहाँ पे आप देखें इसके ऊपर आपको बेहतर समझ आ जाएगी कि ये क्या चीज है। जैसे हमारी एक असाइनमेंट स्टेटमेंट चल रही है, हम उसको देखते हैं कि पोजिशन इज इक्वल टू इनिशियल प्लस रेट इंटू मल्टीप्लाई बाई 6 60। तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, असाइनमेंट स्टेटमेंट है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ कंपटीशन हो रही है और उसके बाद देन पोजिशन को ये वैल्यूज जा रही। तो ये इनके जो टोकन बनेंगे वो कैसे बनेंगे, ये आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ID है और उसके बाद पोजिशन है, देन असाइन है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है हमारे पास, उसके बाद ID है इनिशियल है, फिर देन OPR है, ये प्लस का ऑपरेटर है, ID रेट। अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट्स ये गलत लिखा हुआ है, ये गलती से आ गया ये L इसमें, तो ये रेट है, बहरहाल आप इसको रेट कंसिडर। उसके बाद OPR देन एंड और भी कह सकते हैं आप, इसको OPR भी कह सकते हैं, ये दोनों नाम हो सकते हैं उसके बाद, और फिर देन नंबर। तो ये स्टूडेंट्स ये आपके सामने ये टोकन है और ये ही पेयर ऑफ वर्ड्स है। अगर हम पेयर ऑफ वर्ड्स की तरफ देखें तो ये यहाँ पे हमारे सामने ये चीज जो लव्ज हमारे पास आया है इसमें आप देखें, ये सबसे पहले आपके पास आईडी, ये टोकन टाइप है, ये टोकन टाइप है। जब भी स्कैनर किसी लव्ज को लेगा और उसके टोकन जनरेट करने लगेगा तो दो चीजों को देखेगा, एक तो टोकन की टाइप है, टोकन टाइप स्टूडेंट्स इससे पहले हमने इस पर बात नहीं की, इंपॉर्टेंट है टोकन टाइप आपका जो। अच्छा अगर हम देखें ऑपरेंड्स को देखें तो डेफिनेटली उसके भी टोकन जनरेट हो रहे हैं, उसके बाद अगर हम ऑपरेटर्स को देखें तो वो भी टोकन जनरेट हो रहे हैं, इस तरह हमारे सामने कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू आती है उसके भी टोकन जनरेट हो रहे हैं। अब अगर कहीं वेरिएबल आते हैं तो उसकी टाइप और होगी, अगर कहीं ऑपरेटर आता है तो उसकी टाइप और होगी, और अगर कहीं कॉन्स्टेंट वैल्यू आ रही है जैसे यहाँ 60 आपके सामने है तो उसकी टाइप और होगी। अब स्कैनर जो है उसका काम ये है कि उसने इस टोकन की टाइप को देखना है कि ये किस तरीके किस तरह का है, वेरिएबल है, ऑपरेटर है, कॉन्स्टेंट,
क्या है, उसने इस चीज को देखना है, उसने इस चीज को आइडेंटिफाई करना है, इसको पास आउट, इसको फाइंड आउट करना है, इस हिसाब से उसने इसको आइडेंटिफाई करना। और इसीलिए यहाँ आईडी का मतलब आइडेंटिफायर है। तो पता चलेगा कि ये जो मेरे पास टोकन आ रहा है इसकी टाइप को, और दूसरा उसमें वर्ड है स्टूडेंट्स, वो भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये स्कैनर इस टोकन को आइडेंटिफाई करेगा तो उसमें वर्ड को वो देखेगा, और वर्ड जो उसका होगा वो एक्चुअली जो जिस चीज को वो टोकन के तौर पे ले रहा है वो लफ्ज है। इन दो चीजों को स्कैनर ने फाइंड किया, और ये काम एज ए स्कैनर कौन कर रहा है, ये लेक्सिकल एनालाइजर। स्टूडेंट्स बकायदा हमने इसके लिए कोड को देखना है, हम वहाँ पे ऑटोमेटिक की एक्सप्रेशंस को देखेंगे, वहाँ पे उनकी स्ट्रिंग्स को देखेंगे, ये काम कैसे हो रहे हैं आने वाली स्लाइड्स पे हमारे इंशाल्लाह होता रहेगा। लेकिन स्कैनर के पास या फिलवक्त हम इस चीज को इतना देख रहे हैं कि हमारा जो स्कैनर है वो किसी भी टोकन को जब लेगा उसको जनरेट करेगा तो दो चीजों को सामने रखेगा, आईडी और वर्ड, यानी टोकन टाइप और वर्ड, ये दो चीजें उसके सामने। स्टूडेंट्स याद है कि यहाँ टोकन, और ये आपको जो मैंने बुक सेंड किए वहां से मैंने उसकी पिक्चर ली है, आप यहाँ पे देखें तो आपको ये टोकन की समझ आ जाएगी कि आपके पास जो स्कैनर है वो किस तरीके से इन टोकन को आइडेंटिफाई कर रहा है, उसके नजदीक कौन कौन से टोकन हैं जो आइडेंटिफाइबल है। सबसे पहले यहाँ पर देखें इफ है, एल्स है, ये स्टूडेंट्स आप जानते ही आपके की वर्ड हैं, इफ एल्स आप इनको अच्छी तरीके से जानते हैं, आपने इनको स्ट्रक्चर में यूज भी किया है, जैसे आपके कंडीशनल स्ट्रक्चर में वहाँ पे आपने इनको यूज भी किया है, इस तरह कंपेरिजन है। अब यहाँ स्टूडेंट्स ये देखें कि यहाँ करेक्टर आई इफ, ये इसमें करेक्टर है, अच्छा ये करेक्टर है, ये चीज जहन में रहे, ये करेक्टर है, क्यों करेक्टर है देखेंगे इनशाला। अब यहाँ एल्स है, ये भी करेक्टर, इसमें करेक्टर क्या है, ई एल एस ई, ये एल ये करेक्टर, अच्छा इनके जो टोकन जनरेट होंगे किस तरीके के होंगे, इफ के टोकन आई एफ, एल्स का टोकन क्या बनेगा, ई एल एस ई एल्स, ये इसका टोकन जनरेट होगा। अच्छा लेक्सिम्स यहाँ पे लिखे होंगे टोकन लेक्सिम्स, एक चीज कंपेरिजन को देखिए तो कंपेरिजन में कौन कौन से टोकन आते हैं, ये आप देख रहे हैं, लेस है, ग्रेटर है, लेस आर इक्वल है, ग्रेटर आर इक्वल है, नॉट इक्वल है, ये आपके, और ये आपके इस तरीके से जनरेट होते रहेंगे। सराम आइडेंटिफायर्स को देखें तो स्टूडेंट्स ये आपके आइडेंटिफायर्स हैं, इसमें आपके लेटर्स भी हैं, सराम डिजिट्स भी हो सकते हैं, और नंबर्स को जैसे यहाँ पे पाई है, स्कोर है, ये सारे आपके लेक्सिम टोकन हैं। इसी तरह अगर आप नंबर्स को देखें तो कोई भी नंबर हो सकता है आपका, अच्छा यहाँ पे बात होगी कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट की स्पेशली जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है वो एज ए नंबर टोकन आ रहा है, एज ए नंबर आ रहा है, इसलिए मैंने पिछली स्लाइड पे जो है वो 60 को एज ए नंबर लिखा हुआ था, कि जब स्कैनर के पास ये कॉन्स्टेंट आएगा तो वो एज ए नंबर आएगा, और उसके लिए जो इसकी आइडेंटिफिकेशन है वो एज ए नंबर है, ये चीज सामने। तो ये नंबर कोई भी हो सकता है, इंटीजर टाइप का भी हो सकता है, कोई भी किसी भी तरह का, और ये साइंटिफिक नोटेशन में भी हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है, ये बहरहाल स्कैनर के लिए ये टोकन नंबर भी होता है। इस तरह आप लिटरल्स को देखें स्टूडेंट्स, जैसे आपकी कॉमास होते हैं, कर्ली ब्रेसेस होती हैं, इस तरह आपके कॉलन्स होते हैं, ये सारे के सारे लिटरल्स हैं, ये आपकी लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं। जब ये टोकन ये आएंगे तो स्कैनर इनको भी एज ए टोकन लेगा, ये भी टोकन है स्कैनर के लिए, तो स्कैनर ने इनको या लेक्सिकल एनालाइजर ने इनको एज ए टोकन लेना है। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट, ये टोकन है स्कैनर के लिए टोकन। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे डेफिनेशन रखी है ताकि आपको जरा समझने में आसानी रहे, कि सबसे पहले वन टोकन फॉर ईच कीवर्ड, हर कीवर्ड के लिए भी टोकन है, इस तरह टोकन फॉर ऑपरेटर्स के लिए भी टोकन है। अच्छा यहाँ आगे मजीद उनकी जो है वो डेफिनेशन हैं, जैसे यहाँ पे देखें कि वन टोकन फॉर ईच कीवर्ड, हर कीवर्ड के लिए द पैटर्न फॉर द कीवर्ड इज द सेम एज द कीवर्ड इटसेल्फ, अगर कोई कीवर्ड आ जाता है तो उसके लिए जो टोकन बनेगा वो सेम वही कीवर्ड बनेगा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं इफ अगर टोकन आ रहा है तो उसका जो लेक्सिम बनेगा या उसका जो टोकन बनेगा वो सेम उसी लफ्ज से बनेगा,
इस तरह else आ रहा है, तो फिर else को भी सेम उसी तरीके से रखा जाएगा। तो ये सारी चीजें, इसी तरह अगर फर्दर आप देखें कि वन टोकन रिप्रेजेंटिंग ऑल आइडेंटिफायर, अच्छा आइडेंटिफायर भी अगर आपको कोई टोकन है तो उसका आइडेंटिफायर भी लाजमी तौर पे होगा। हाँ ये चीज जरूरी है कि आपका जो स्पेशली वेरिएबल्स हैं उसके लिए आईडी लिखा जाएगा। ये हमारे लिए, ये हम इसको, ताकि हम इसको समझ सकें। लेकिन जो लेक्सिकल एनालाइजर या आपका जो स्कैनर है उसने हर टोकन के लिए आईडी रखना ताकि उसको पता चले। ऐसे जैसे आप इक्वल के साइन के सामने असाइन लिखा हुआ है तो ये उसका आइडेंटिफायर, असाइन उसका आइडेंटिफायर, असाइन का जो लफ्ज पिछली स्लाइड में आपने देखा इक्वल के सामने असाइन लिखा हुआ था तो वो उसका मतलब ये है कि ये उसका आइडेंटिफायर है। तो स्कैनर के लिए हर जो टोकन है उसका आइडेंटिफायर तो जो भी उसको वो नाम दे, तो दीज आर द टोकन्स। स्टूडेंट्स मजीद नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है वो पार्ट्स है। स्टूडेंट्स यहाँ इससे आगे जितनी भी हमारी डिस्कशन चलनी है वेरी इंपॉर्टेंट है, आप गौर से देखिएगा समझिएगा, कई क्वेश्चन भी रेज होंगे जरूर पूछें मुझसे, चुप करके नहीं बैठना। अब जैसे जैसे हम जा रहे हैं तो यकीनन हम जरा कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा रहे हैं, तो देखिए। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पार्सर हमने देखा कि टोकन उसके पास आते हैं, ये लेक्सिकल एनालाइजर या स्कैनर जो है, हम यहाँ बात स्कैनर की करेंगे, वो जनरेट कर रहा है पार्सर को दे रहा है, पार्सर इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन को जनरेट कर रहा है। सिर्फ इसका यही काम नहीं, बहुत सारे इसके काम हैं, या हम इसकी थोड़ी सी टेक्निक को भी डिस्कस करेंगे कि ये कैसे करता है। आइए शुरू इसको देखते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ हमारी जो जिन चीज़ों से हमारा वास्ता रहना है, जिन चीज़ों से हमारा मुकाबला होना है, दूसरे लफ्जों में हम कह लें, वो हमारे सामने पार्सर रीऑर्गेनाइज कॉन्टेक्स्ट फ्री सेंटेंस एंड जनरेट एरर्स। स्टूडेंट्स आपने ऑटोमेटा में कॉन्टेक्स्ट फ्री सेंटेंस, आपने कॉन्टेक्स्ट फ्री पढ़ा होगा, आपने उसको डिस्कस किया होगा, यकीनी तौर पे आपने उसको काम किया होगा जी। और ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं, हम इस डिटेल में तो नहीं जाएंगे और ना ही हमारा ये टॉपिक है, हमने जस्ट इनको यूज करना है, आप थोड़ी बहुत इस पर बात रहेगी। अब यहाँ पर अगर पार्सर के हवाले से देखें तो ये कॉन्टेक्स्ट फ्री सेंटेक्स को देखें। अच्छा यहाँ थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि कॉन्टेक्स्ट फ्री क्या होता है। स्टूडेंट्स आप देखते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को हम देखें तो उसमें क्या होता है, उसमें ये है कि आप एक स्ट्रिंग जनरेट करते हैं और एक लैंग्वेज डिफाइन, या आप एक लैंग्वेज डिफाइन करते हैं जिसमें आप ये देखते हैं कि क्या ये एक जो कोई करैक्टर है क्या इस लैंग्वेज का हिस्सा है या नहीं। अगेन आई रिपीट इट, आप कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज में अगर आप देखें, हम यहाँ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की बात, सेंटेक्स की बात नहीं करेंगे, हम कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की बात करेंगे, आगे आ रही है उसकी डेफिनेशन भी रखते हैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए, क्योंकि इन चीज़ों से वास्ता रहना है। हम ये देखते हैं इस कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के जरिए से जनरेट की जाती है उसके जरिए से हम ये चीज़ चेक करते हैं कि ये जो लैंग्वेज जनरेट हुई है क्या इसमें ये जो करेक्टर है ये इस लैंग्वेज का हिस्सा है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लैंग्वेज है ए बी ए बी ए ए बी बी ए बी सो ऑन, अब इसमें आप ये चेक करना चाहते हैं कि सी बी जो हमारा लेटर है या ये जो स्ट्रिंग है ये इस लैंग्वेज का हिस्सा है या नहीं। इस चीज को चेक करने के लिए ये हमारे टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को हम यूज करते हैं, ये आगे आ रही अगली स्लाइड्स पे हम इसको देखेंगे। बहरहाल ये पार्सर जो है ये भी इसी चीज को चेक करता है कि क्या कि ये जो मेरे पास सोर्स कोड में ये जो टोकन्स आए हैं, ये जो लेक्सिम्स आए हैं, क्या ये इस चीज का हिस्सा है या नहीं, इस ग्रामर का हिस्सा है या जो हम उसको देंगे, ये ग्रामर हम उसको देंगे, एक्सप्रेशंस देंगे, ग्रामर की एक्सप्रेशंस देंगे और फिर उसको कहेंगे कि इन लेक्सिम को मैच करके देखो कि ये इस पैटर्न के या इस ग्रामर के, इस लैंग्वेज के ये
हिस्सा है या नहीं है। अगर तो वो उसका हिस्सा होंगे तो उनको एक्सेप्ट करेगा, नहीं होंगे तो वो आपको बता देगा कि ये आपने जो चीज है ये आपकी इस लैंग्वेज से डिफाइन नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक वेरिएबल यूज किया, आपने लिखा इज इक्वल टू 5, आपने उसको कहीं डिफाइन नहीं किया, आपने उसको जस्ट यूज किया। जब आपका ये कंपाइलर के पास जाएगा तो ये पार्सर क्या करेगा, उसको देखेगा कि ये ए जो है ये फ्यूचर जो लैंग्वेज डिफाइन हुई है उसका हिस्सा है या नहीं, जो आपने सोर्स कोड लिखा है उसका हिस्सा है या नहीं, ये उसको चेक करेगा। अब चूंकि आपने तो कहीं ए को यूज ही नहीं किया तो इसलिए वो आपको ये प्रॉब्लम आपको बता देगा कि ये आपने जो है वो डिफाइन ही नहीं किया, आप इसको ऐसे यूज करें। तो ऐसे काम जो है ये पार्सर का हिस्सा, और ये कैसे करेगा, ये इस कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर को यूज करते हुए ये काम करेगा और आपके लिए जनरेट करेगा किसको, एरर्स। इस तरह कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज है, ये भी आपके सामने स्टूडेंट्स गुजरी होगी, हम इस पे भी हमारे प्रैक्टिकली हमने इस चीज को देखना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है, ये चीजें हमारे सामने। और दूसरा जो काम करेगा पार्सर वो ये करेगा कि जनरेट इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम IR का नाम शॉर्टली दे रहे हैं, ये वो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन जनरेट करेगा। स्टूडेंट्स ये इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन क्या है, सिंपली मैं आपको बताता चलूँ, ये आगे इससे आगे फर्दर आपकी जो एग्जीक्यूटेबल फॉर्म है या आपका जो टारगेट कोड है वो जनरेट होता है, पहले आपकी ये IR जनरेट होती है और ये पार्सर जो है इसको जनरेट कर दे। आइए स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर पे बात कर ले। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है हम एक लैंग्वेज ड्राइव करते हैं और फिर उसको चेक करते हैं कि क्या इस जो लैंग्वेज में आपके लेटर्स आ रहे हैं या ये जो स्ट्रिंग्स जनरेट हो रही हैं क्या ये इस लैंग्वेज का, या ये जो एक स्पेसिफिक कोई करेक्टर आप उसको चेक कर लेते हैं कि ये इस लैंग्वेज का हिस्सा बनता है या नहीं बनता। इसके लिए हम कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर को यूज करें। इसमें क्या चीजें, मुख्तलिफ चीजें यहाँ पे हम देखते हैं स्टूडेंट्स क्या चीजें। आइए इसकी डेफिनेशन को देखें। जैसे वो कहते हैं कि कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर इज अ कलेक्शन ऑफ द फॉलोइंग्स, नंबर 1 एन अल्फाबेट। अच्छा अल्फाबेट आप जानते ही, आपका सिग्मा है जिसके पास कुछ स्ट्रिंग है, कुछ लेटर्स है, ये आप ऑलरेडी ऑटोमेटर में पढ़ चुके हैं, हम इस पे टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। एन अल्फाबेट, और ये सिग्मा जो है स्पेशली आपका अल्फाबेट, ये आपका अल्फाबेट है जिसके पास कोई लेटर, यकीनी तौर पे लेटर्स होते हैं, आप पढ़ चुके हैं। एन अल्फाबेट सिग्मा ऑफ अ लेटर, ऑफ अ लेटर, ये वही बात आ गई, कॉल्ड टर्मिनल फ्रॉम विच द स्ट्रिंग्स आर फॉर्म्ड। यानी आपकी इस, ये जो आपके पास अल्फाबेट है और उसके पास कुछ लेटर है, वहां से आप क्या करते हैं, आप स्ट्रिंग्स को फाइंड बनाते हैं, स्ट्रिंग्स बनाते हैं। स्ट्रिंग्स आप जानते हैं ऑटोमेटिक में पढ़ चुके हैं। एक तो यानी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर आपकी अल्फाबेट से बनी हुई कोई एक स्ट्रिंग होगी, कोई एक यकीनी तौर पे स्ट्रिंग होगी, दैट विल बी द वर्ड ऑफ द लैंग्वेज, और यही जो स्ट्रिंग होगी ये इस जो हमारी कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है उसका वर्ड होगी। अ सेट ऑफ सैंपल्स कॉल्ड नॉन टर्मिनल, और कुछ नॉन टर्मिनल सैंपल्स भी होंगे, होंगे लाजमी तौर पर होंगे। जैसे आपने प्रोडक्शन की होगी, आपने डेरिवेशन ऑटोमेटर में देखी होगी, वहां पे आपके सामने डिफरेंट चीजें आपके सामने आ रही, या एक एग्जांपल है जैसे आप यहाँ पे एस है और ये आपके पास नॉन टर्मिनल सिंबल, इसको यूज किया जा रहा है, ये इस कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर होगा। और एस से क्या है कि यहाँ से स्टार्ट होगा, जब आपकी ये डेरिवेशन शुरू होती है तो वहां पे एस जो है उस वहां से हम उससे स्टार्ट करें। इस तरह फिनाइट सेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रोडक्शन आप जानते हैं, हम किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर प्रोडक्शन रूल्स अप्लाई करते हैं और इस प्रोडक्शन रूल के हिसाब से हमारी स्ट्रिंग जनरेट होती है इस कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर। अगेन हम कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में कोई स्ट्रिंग जनरेट कर रहे हैं उस पर हम रूल अप्लाई कर देते हैं और यही जो रूल्स हैं ये हमारे प्रोडक्शन है। आती है अगली स्टेटमेंट पे हम इसको देखते हैं, अगली स्लाइड पे हम इस चीज को देखते हैं। इसके बाद नॉन टर्मिनल आपके होते हैं, ये नॉन टर्मिनल टर्मिनल्स क्या है, ये रिप्लेसमेंट के हिसाब से है,
ये कहीं हमारे पास, हाँ बल्कि यहाँ पे आप देखें तो इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आ रही है, जैसे हम बात कर रहे हैं टर्मिनल्स की, द सिंबल्स दैट कैन नॉट बी रिप्लेस बाई एनी अदर आर कॉल्ड टर्मिनल्स, के ऐसे सिंबल जो जिनको कोई दूसरा रिप्लेस नहीं कर सकेगा वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, आर कॉल्ड द टर्मिनल्स एंड नॉट टर्मिनल्स द सिंबल्स दैट मस्ट बी रिप्लेस्ड बाई अदर थिंग्स आर कॉल्ड नॉन टर्मिनल, और जो जिनको कोई दूसरा रिप्लेस कर देगा वो नॉन टर्मिनल्स। आप प्रेडिक्शन को देखें तो ग्रामेटिकल रूल्स फॉर आर ऑफन कॉल्ड प्रेडिक्शन, ग्रामेटिकल रूल्स हैं। मैंने आपको अगेन कहा कि हम इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के जरिए से कोई भी हम स्ट्रिंग जनरेट करेंगे तो उसके ऊपर रूल्स अप्लाई कर देंगे कि आपने ये स्ट्रिंग किस तरीके से जनरेट करनी है। अब वो स्ट्रिंग जनरेट हो गई तो उस इन रूल्स जिनको हम प्रोडक्शन का नाम दे रहे हैं, इन रूल्स के हिसाब से जनरेट हो गई। तो दिस इज कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ये अभी आ रहे स्टूडेंट्स, अगले स्लाइड पे हम इस चीज को देखते हैं बड़े गौर से। तो इसको स्टूडेंट्स आप सुन रहे हैं मेरा लेक्चर प्लीज? जी सर। हाँ, और से सुनिएगा, ये थोड़ी सी मुश्किल चीजें, मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऑटोमेटा को जरूर डिस्कस करें, वहां से पढ़ें, स्पेशली कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को, डेरिवेशन को, और ये प्रोडक्शन जो है ये सारी इन चीजों को जरूर पढ़ें आप इनको, ताकि ये आपके रिवीजन में आ जाएंगे, आगे जैसे चलेंगे तो आपके लिए मसला नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के बारे में बात कर रहा है, ये हम बात करें कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर वी कैन ड्राइव स्टेटमेंट अ सेंटेंस बाय रिपीटेड सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, सेंटेंस ही आपकी स्ट्रिंग है। जैसे मैं कहता हूँ जी सिग्मा ए मेरे पास लेटर है, मैं कहता हूँ जी आप इसकी स्ट्रिंग बनाएं 5 times, इसके मैं एक रूल लगा दूँ, इस पर प्रोडक्शन लगा देता हूँ कि 5 times ए जो है वो इसकी स्ट्रिंग बनाए। अब पहले आपकी बनेगी फर्स्ट जो स्ट्रिंग बनेगी ए, सेकंड बनेगी ए ए, थर्ड बनेगी ए ए ए, 3 times ए, फोर्थ बनेगी 4 times ए ए ए ए ए, सो ऑन, ऐसे 5 times मैंने कहा था जी बना दें। अब ये जो बनी मेरे पास सेंटेंस है, अच्छा रिपीटेड सब्स्टिट्यूशन क्या है आप इसमें देख लें, फर्स्ट टाइम मेरे पास ए स्ट्रिंग जनरेट हुई, उसके बाद देन 2 times मेरे पास ए की स्ट्रिंग जनरेट हुई, फिर 3 times मेरे पास ए की स्ट्रिंग जनरेट हुई। तो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन, आप यानी रिपीटेडली कोई काम कर रहे हैं। अच्छा ये काम क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इनकी हमें जरूरत पड़नी है, जब हमने पार्सल खुद जनरेट बनाना है, डिवेलप करना है, वहां पे इनकी जरूरत पड़नी है। तो आइए स्टूडेंट एक यहाँ पे हम एग्जांपल को देख लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को यहाँ पे हम देखते हैं, और अभी जो मैंने आपके सामने एग्जांपल भी डिस्कस की कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में आप प्रोडक्शन को यूज करते हैं और आप आगे स्ट्रिंग्स को जनरेट करते हैं, तो वो ये चीजें आपके सामने आ रही है। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की बात करें कि ऐसी लैंग्वेज जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के जरिए से आप जनरेट कर रहे हैं वो आपकी लैंग्वेज। अब देखिए यहाँ द लैंग्वेज जनरेटेड बाई कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। एग्जाम्पल को देखें, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये आ गई, ये सिग्मा ए इज इक्वल टू ए, अब ये हमारे पास अल्फाबेट है जिसमें ए लेटर पड़ा हुआ है, अब इसमें हम प्रोडक्शन रूल पर, ये स्टूडेंट्स वही प्रोडक्शन जिसकी मैं बात कर रहा था कि हम लैंग्वेज जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है उसमें जो हम स्ट्रिंग जनरेट करेंगे या जो लैंग्वेज जनरेट करेंगे उस पर प्रोडक्शन अप्लाई करेंगे। अच्छा यहाँ स्टूडेंट्स बात समझने की स्ट्रिंग और लैंग्वेज, जब आप एक खास लैंग्वेज में स्ट्रिंग को लेके आ जाते हैं वो आपकी लैंग्वेज बन जाए, अदरवाइज जो स्ट्रिंग ही रहती है जिसमें जितनी भी आप आगे फर्दर जनरेट करते जाएं वो आ जाती है लैंग्वेज, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में आप उसको लेके आ जाए देन वो आपकी लैंग्वेज है। जैसे यहाँ देखिए फॉर एग्जाम्पल ये आपका फर्स्ट प्रोडक्शन रूल अप्लाई हो रहा है, क्या कहता है कि एस में भी एस प्रोडक्शन रूल अप्लाई करो किस पे, ए पे, ये फर्स्ट प्रोडक्शन रूल है। फिर देन सेकंड प्रोडक्शन रूल अप्लाई हो रहा है नल पे, अब क्या है नीचे देखिएगा अप्लाई प्रोडक्शन वन, ये आपका जो प्रोडक्शन रूल फर्स्ट अप्लाई हो रहा है किस पे अप्लाई हो रहा है, ए पे। हम कहते हैं कि एक ही लैंग्वेज जनरेट करो, एक ही लैंग्वेज जनरेट करो, एक ही स्ट्रिंग जनरेट करो, कैसे, वो कहता है कि अप्लाई प्रोडक्शन वन यानी ये पहला रूल अप्लाई करो 6 times, वही भी मेरी बात आ गई जो मैंने भी आपके सामने रिपीट की थी कि 6 times जो है वो आप इस एक ही लैंग्वेज जनरेट करो एंड देन प्रोडक्शन टू वंस, और फिर एक दफा प्रोडक्शन को अप्लाई करो। अब आप ये पे देखते यहाँ पे हमने रूल्स अप्लाई कर दी कि जो प्रोडक्शन वन है वो 6 times अप्लाई करो
एंड प्रोडक्शन टू जो है वो वन सप्लाई करो। अब ये चीज काम हो रहा है, ये देखिए प्रोडक्शन वन ए पे अप्लाई हो रहा है। आप यहाँ पे देखिए ये हमारा स्टार्ट हुआ, ए पे प्रोडक्शन वन हमारा अप्लाई हुआ, तो आप फर्स्ट टाइम अप्लाई हुआ, फिर टू टाइम्स अप्लाई हुआ, फिर थ्री टाइम्स अप्लाई हुआ, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम एंड देन सिक्स टाइम। और स्टूडेंट्स सिक्स पे आप देख रहे हैं कि आपके पास लेटर सिक्स आ रहे हैं। आप शुरू में देखें वन पे वन है, टू पे टू है, थ्री पे थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स। और देन लास्ट में उन्होंने कहा था कि देन प्रोडक्शन टू रूल अप्लाई करो वंस, एक दफा। अच्छा प्रोडक्शन टू पे हमने क्या रखा है कि ए जो है वो इसको रिप्लेस करो, यानी सॉरी नल को वहां पे पुट करो। ये हमारा नल, ये नल स्ट्रिंग है, आप जानते होंगे जहाँ पे आपके पास कुछ नहीं, फिर आप नल की स्ट्रिंग को यूज करते हैं, तो वहां पे ये नल का जो है यहाँ पे इसको अप्लाई कर दो। तो दिस लैंग्वेज इज कॉल्ड, स्टूडेंट मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, आप इसको देखिए प्लीज, ए सॉरी सॉरी स्टूडेंट्स, जी तो ये हाईलाइट नहीं कर पाया स्टूडेंट्स, तो माजरा। आवाज आ रही मेरी प्लीज? आवाज ठीक हो गया। अब यहाँ स्टूडेंट्स इस चीज को अगर हम देखें, ये यहाँ से लेके बॉस को प्लीज मोमेंट को देखिएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो चीज है ये हमारे पास क्या है, स्क्रीन शेयर हो सॉरी जी मैं इसको हाईलाइट करना चाह रहा था तो गलती से वो वहां से हो गया मेरे पास। आप देखें यहाँ पे स्टूडेंट मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ये जो चीज है ये हमारे पास कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है कैसे, हमने जैसे कहा है इसको कि जी आप ए पे सिक्स टाइम प्रोडक्शन रूल वन अप्लाई करो और हमें लैंग्वेज जनरेट करके दो, तो उसने उसी तरीके से हमें ये लैंग्वेज जनरेट करके दे दी है। और देन हमने लास्ट को इसको कहा है कि आप हमें लास्ट पे आप जो प्रोडक्शन रूल टू है वो अप्लाई करो, तो उसने अप्लाई कर दिया। ये सारा इसलिए है कि हमने जो पार्सर जनरेट करना है उसको हमने ऑटोमेटिकली कहना है कि आपने ये काम ऐसे करना है, तो वो करता जाएगा, हमने कह देना है वो करता है। ये सारा चक्कर, ये सारा जो झंझट जो पड़ा हुआ है ये सिर्फ इसी पास है। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अगली स्लाइड्स पे देखते हैं मजीद। यहाँ पे हमारे सामने